हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में भी आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन नाम से सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी, लेकिन इस लॉकडाउन से पहले मुंबई में दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ क्यों है, नम्रता दुबे की रिपोर्ट देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। में आज से 15 दिनों के लिए संचार बंदी लागू की जाएगी, जिसके बाद लोग जो है अब ज्यादा ही पैनिक होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग पैनिक बाइंग यानी कि खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे शॉपिंग सेंटर्स है, उस शॉपिंग सेंटर्स के बाहर हजारों की भीड़ देखने मिल रही है। ये एक कांजुरमार्ग के शॉपिंग सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइन जो लगी है, ये लाइन तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक की है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए खड़ा जरूर किया गया है, लेकिन ये जो लंबी लाइन है ये कई किलोमीटर तक दूर पर जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल ये जो शॉपिंग सेंटर के लिए लाइन लगी हुई, यहाँ पर 500-600 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अभी फिलहाल शॉपिंग सेंटर के अंदर भी तकरीबन 100 लोग जो हैं वो मौजूद हैं शॉपिंग के लिए, और लोगों को जो है बाकायदा कूपन के जरिए और कुछ लोगों को गिनती के जरिए ही अंदर बुलाया जा रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।